हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ बजट 2021-22, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं इस बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किए गए विभिन्न घोषणाओं पर और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। इस वीडियो में हम केवल टू दी पॉइंट चीज़ों पर ही बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 ये बजट पेश किया गया आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री भी है। देखिए, हमारे प्रदेश में आपके टोटल 13 कैबिनेट मंत्री है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ, यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के हमारे प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है वो है 13, और इन्हीं 13 कैबिनेट मंत्रियों के मध्य आपके विभिन्न विभागों को बंटवारा किया गया है। जो वित्त विभाग है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास ही है, यानी कि हमारे प्रदेश का जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके हेड, यानी कि वो जो मंत्री है उसके जो कैबिनेट मंत्री है वो आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। तो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है पूछा जाए तो वो भी आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही है, ठीक। देखिए, ये जो आपका बजट है, बजट 2021-22, ये हमारे राज्य का 21वां तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का यह तीसरा बजट है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था आपके 1 नवंबर 2000 को, तो 1 नवंबर 2000 से लेकर के अभी 2021 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में टोटल 21 बजट पेश किए गए हैं। यानी कि जो छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 है ये हमारे प्रदेश का, हमारे राज्य का 21वां बजट है, जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर जो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का यह तीसरा बजट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मूल मंत्र, ये जो आपके बजट है, बजट 2021-22, इसका मूल मंत्र दिया गया आपके गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा पिछले बजट में, यानी कि बजट 2020-21 में ये मंत्र दिया गया था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और इसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए इस साल का बजट, बजट 2021-22 भी पेश किया गया है, ठीक। तो ये इस साल के बजट का मूल मंत्र क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये जो बजट है, बजट की अवधारणा क्या है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। बजट की अवधारणा, या इसे ही आप कह सकते हैं थीम, इस साल के बजट का थीम क्या था, ठीक, या इस साल का जो बजट है वो किस विषय पर आधारित था। देखिए, ये जो आपका बजट है, ये बजट अंग्रेजी के एक वर्ड हाइट, HEIGHT, हाइट पर आधारित है। ये जो अंग्रेजी का वर्ड हाइट है, इसमें टोटल 6 लेटर है और हर एक लेटर के अपने एक मायने हैं। तो ध्यान समझिएगा, ये जो अवधारणा है इस साल के बजट में, जो अवधारणा दिया गया है वो अंग्रेजी के वर्ड हाइट को लेते हुए दिया गया है। इस शब्द का अर्थ है, इस शब्द में विकास की अवधारणा के विभिन्न आयामों को परिभाषित किया गया है। जो चीज बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते हुए दिमाग में बैठाइएगा। देखिए, इस साल का जो बजट पेश किया गया है उसकी अवधारणा अंग्रेजी के वर्ड हाइट से लिया गया है। हाइट जो है, इसमें टोटल अंग्रेजी के 6 लेटर है और हर एक लेटर जो है विकास की अवधारणा के विभिन्न आयामों को परिभाषित करता है, ठीक। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 का थीम क्या था, तो वो था आपका हाइट, ठीक। देखिए, HEIGHT, एच से है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, ई से है एजुकेशन, आई से है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जी से है आपका गवर्नेंस, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ नहीं है, गवर्नेंस। उसके बाद एच से है हेल्थ, टी से है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए, जो आपका एच है, एच होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास, ठीक। ई से है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा सबके लिए समान अवसर, पूरा याद रखना है। यहां पे मैंने केवल एक एक वर्ड लिख करके छोड़ दिया है, लेकिन जो चीज बोल रहा हूं आपको पूरा याद रखना है। मेंस आंसर राइटिंग में भी आपके लिए काम आएगा और प्री में भी आपको ये चीज पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसका हिंदी में मतलब है समग्र विकास, ई से है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा सबके लिए समान अवसर। उसके बाद आई से है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अधोसंरचना, अधोसंरचना विकास के पोषक, अधोसंरचना विकास के पोषक। उसके बाद जी से है गवर्नेंस, गवर्नेंस यानी कि प्रशासन, प्रशासन संवेदनशील प्रशासन, ठीक है, प्रशासन कैसा प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एच, एच से है आपका हेल्थ, हेल्थ
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य स्वस्थ तन सबसे बड़ा धन। ये जो आपका एच हेल्थ का मतलब क्या है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य डैश स्वस्थ तन सबसे बड़ा धन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव, शासन और जनता में बदलाव, ठीक है, शासन और जनता के लिए बदलाव। तो ये जो आपके छह लेटर है अंग्रेजी के, ये इसके मायने हैं। एच ई आई जी एच टी, एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास, ई से है एजुकेशन शिक्षा सबके लिए समान अवसर, आई से है इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना विकास के पोषक, जी से है गवर्नेंस प्रशासन संवेदनशील प्रशासन, फिर एच से है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य स्वस्थ तन सबसे बड़ा धन, टी से है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव शासन और जनता के लिए बदलाव। ठीक, देखिए इस साल का जो छत्तीसगढ़ बजट है, ठीक है, ये आपको बजट में ये चीजें नहीं देखने के लिए मिलेगी, इसको मैंने अलग से ऐड किया है, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है, ये इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको मैंने अलग से इसको नोट डाउन किया है और इसको भी आप अलग से नोट कीजिएगा, ये प्रश्न बनेगा। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ बजट, छत्तीसगढ़ बजट जो है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा इस साल चाइल्ड बजट अलग से पेश किया गया है। चाइल्ड बजट यानी कि बच्चों के लिए बजट जिसमें 0 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है और उन पर केंद्रित करते हुए एक अलग से चाइल्ड बजट जो है प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया, ठीक है, जो बजट का ही पार्ट था उसमें चाइल्ड जो है चाइल्ड बजट के तौर पर एक अलग से जो धनराशि उसके लिए आवंटित की गई। देखिए समझते हुए चलिए, हमारे प्रदेश सरकार ने तो इस साल जो है चाइल्ड बजट पेश किया है, लेकिन इससे पहले भी प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कुछ बजट अलग से पेश किए गए। एक है आपका जेंडर बजट, जेंडर बजट, जेंडर यानी कि मेल फीमेल, तो प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को केंद्रित करते हुए अलग से जो है आपका बजट पेश किया गया। उसके अलावा कृषि बजट, हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये कृषि प्रधान राज्य है तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि बजट भी पेश किया गया। उसके बाद है युवा बजट यानी कि युवाओं, यूथ को टारगेट करते हुए युवा बजट पेश किया गया और प्रदेश सरकार के द्वारा इस साल चाइल्ड बजट अलग से पेश किया गया है। देखिए जो जेंडर बजट है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था, यानी कि महिलाओं को केंद्रित करते हुए महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए महिलाओं पर आधारित महिलाओं को अलग धनराशि यानी कि महिलाओं के विकास के लिए अलग धनराशि आवंटित करते हुए प्रदेश में पहली बार जेंडर बजट पेश किया गया था आपके वित्तीय वर्ष 2008-09 में। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2008-09 से लेकर के अब तक जो है प्रदेश सरकार के द्वारा आपका जेंडर बजट पेश किया जाता है। उसके अलावा कृषि बजट, कृषि बजट की शुरुआत हमारे प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 से हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से की गई, वित्तीय वर्ष 2012-13 से। ठीक, नेक्स्ट है युवा बजट यानी कि यूथ बजट। ठीक है, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को केंद्रित करते हुए एक पृथक बजट पेश किया गया प्रदेश सरकार के द्वारा। कब से किया गया, वित्तीय वर्ष 2015-16 से, इंपॉर्टेंट है, वित्तीय वर्ष 2015-16 से युवाओं को केंद्रित करते हुए पृथक बजट पेश किया जा रहा है, युवा बजट। ठीक, और ये जो युवा बजट पेश करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है हमारे देश का पहला राज्य है आपका युवा बजट पेश करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट है चाइल्ड बजट, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा इसी वित्तीय वर्ष से, वित्तीय वर्ष 2021-22 से, इसी वित्तीय वर्ष से चाइल्ड बजट पेश किया जा रहा है और इस बजट के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है और ये चाइल्ड बजट पेश करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पांचवा राज्य है। कुछ आपके न्यूज़पेपर में चौथा दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ से पहले केरल, कर्नाटक, असम और बिहार, इन चार राज्यों ने ऑलरेडी चाइल्ड बजट पेश कर दिया है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष से यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से आपका चाइल्ड बजट पेश किया जाए, यानी इस साल आपका चाइल्ड बजट जो है आपका लाया गया और इस साल चाइल्ड बजट में आपका 3,523 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो चाइल्ड बजट के रूप में पेश की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक,
इस चीज ये चीज़ जो है आपके बजट में नहीं दिया गया है, इसको मैंने अलग से ऐड किया है और गारंटीड बता रहा हूँ इस साल आपको हर मैगजीन में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मैगजीन निकाला जाएगा आपको उसमें ये ईयर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हमारे प्रदेश में संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कट कॉपी करने में एक्सपर्ट है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अगर किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के पुस्तक में देखिए तो ध्यान में लाइएगा कि ये हमारे चैनल से ही उठाया गया है। ठीक, तो जेंडर बजट की शुरुआत हुई आपके वित्तीय वर्ष 2008-09 से, कृषि बजट की शुरुआत हुई आपके वित्तीय वर्ष 2012-13 से, युवा बजट की शुरुआत हुई हमारे प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से, जबकि चाइल्ड बजट की शुरुआत हुई इसी वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष 2021-22 से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्थिति। बजट में आपके आर्थिक स्थिति यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष था जो आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 उसका एक अग्रिम अनुमान पेश किया गया। देखिए यहाँ पर है छत्तीसगढ़ और ये है आपका भारत, यहाँ पर है आपका आर्थिक विकास यानी कि जीडीपी। ठीक है, आर्थिक विकास यानी कि जीडीपी या विकास दर इसको हम बोल सकते हैं। कृषि क्षेत्र में कितनी आपकी विकास हुआ, उद्योग क्षेत्र में कितना विकास हुआ और सेवा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, और लास्ट में है पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक, देखिए आर्थिक विकास यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक सॉरी जो आपका जीडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो जीडीपी प्रदेश के जीएसडीपी में और भारत के जीडीपी में कितना आपका परसेंटेज रहा। देखिए छत्तीसगढ़ का जो आपका आर्थिक विकास दर रहा वो रहा आपका -1.77%। ठीक है, माइनस यानी कि ऋण 1.77% हमारे प्रदेश का आर्थिक विकास दर रहा, ऋणात्मक में है, माइनस में है। उसका कारण क्या है, क्योंकि पिछले साल वर्ष 2020 में जो आपका काल रहा वो आपका कोरोना का काल रहा, यानी कि पूरा आपके लगभग पूरे साल भर आपके लॉकडाउन की स्थिति बनी रही, इस कारण जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें काफी गिरावट हुआ, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरे भारत पूरे देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट हुआ, जिसके कारण विकास दर जो है वो ऋणात्मक में रहा। ठीक, जबकि भारत में जो आपका आर्थिक विकास दर है वो रहा आपका -7.7%। दूसरे नंबर पर है कृषि, कृषि क्षेत्र में विकास दर की बात करें तो हमारे प्रदेश में जो है कृषि क्षेत्र में आपका विकास दर रहा 4.61%, ये आपका प्लस में है यानी कि आपका पॉजिटिव है। ठीक, इसमें वृद्धि दर की गई 4.61% की, जबकि भारत में वृद्धि दर भारत यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर की गई आपके 3.4%। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो प्रदेश में जो है उद्योग क्षेत्र के विकास में आपके गिरावट दर्ज की गई, हमारे प्रदेश में जो उद्योग क्षेत्र में जो आपका विकास दर रहा वो रहा आपका -5.28%, ऋण ठीक है माइनस यानी कि निगेटिव में है, ऋण 5.28% जो है ये गिरावट दर्ज की गई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि देश में ये गिरावट दर्ज की गई -9.6% यानी कि ऋण 9.6%। सेवा क्षेत्र की बात करें तो प्रदेश में सेवा क्षेत्र में आपकी वृद्धि दर्ज की गई 0.75%, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर ये गिरावट दर्ज की गई -8.88% यानी कि ऋण 8.8%। ठीक, अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट दर्ज की गई, इस साल जो है हमारे प्रदेश का जो आपका प्रति व्यक्ति आय रहा वो रहा 1,04,943 रुपए। ठीक है, 1,04,943 रुपए आपका प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर रहा। ठीक, इस साल जो आपका प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित भाव पर उसमें भी कमी दर्ज की गई, 0.14% की कमी दर्ज की गई प्रति व्यक्ति आय में, जबकि आपका भारत में जो आपका जो प्रति व्यक्ति आय है वो है आपका 1,26,968 रुपए। ठीक है, 1,26,968 रुपए और इसमें भी कमी दर्ज की गई 5.41% की। ठीक, इस टेबल को आपको याद रखना है, आगे काम आएगा। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2021-22, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22, ये जो बजट है इस बजट का, इस साल जो बजट पेश किया गया उस बजट का आकार था आपका 97,106 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्टली, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस साल बजट का आकार क्या था, तो वो था आपका 97,106 करोड़ रुपए। देखिए इस साल जो प्रदेश सरकार को जो कुल आय हुई वो हुई आपके 97,145 करोड़ रुपए की, जबकि कुल व्यय रहा आपका
97,106 करोड़ रुपए, और यही कुल व्यय जो है ये बजट का आकार होता है, ठीक। जबकि प्रदेश की जो आपकी राजकोषीय घाटा या जिसे कहा जाता है सकल वित्तीय घाटा, वो रहा आपका 17,461 करोड़ रुपए, जो कि कुल जीडीपी का 4.56% था, ठीक है। जो राजकोषीय घाटा था या इसे ही सकल वित्तीय घाटा कहा जाता है, ये लगभग आपके 17,000 करोड़ का था, जो कि कुल जीडीपी का 4.56% था। ये परसेंटेज को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए बजट में कुछ आपके मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है प्रदेश सरकार के द्वारा सी मार्ट स्टोर खोले जाने की घोषणा की गई है। सी मार्ट स्टोर, अब ये होता क्या है समझिएगा। देखिए इसमें जो है आपके छत्तीसगढ़ ब्रांड के प्रोडक्ट इस आपके सी मार्ट स्टोर पर उपलब्ध होंगे। जैसे कि आप मॉल जाते होंगे, मॉल में रहता है आपका बिग बाजार, डी मार्ट, ठीक, जहां पर आपके जो है बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक। वैसे ही हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा आपके सी मार्ट स्टोर खोले जाने की घोषणा की गई है। इस सी मार्ट स्टोर में उपलब्ध होगा आपके कृषि उत्पाद यानी कि ढेकी से कूट कर निकाला गया आपका चावल, आपके घानी से जो है आपका घानी से निकाला गया खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का, ये कृषि उत्पाद आपके अवेलेबल रहेंगे। वनोपज मतलब आपका हर्रा, इमली, शहद, ठीक है, हर्रा, इमली, शहद, त्रिफला, ये सभी मौजूद रहेंगे आपके वनोपज में। इसके अलावा शिल्प में बेल मेटल शिल्प, कोशा शिल्प, बांस शिल्प, ये सभी के सभी जो कांसे के जो शिल्प रहते हैं, हमारे प्रदेश के जो घड़वा शिल्प है वो सभी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी व्यंजक यानी कि ठेठरी, खुरमी, आपका चौसेला, ये सारे जो आपके छत्तीसगढ़ी जो व्यंजक, जो आपके छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध व्यंजन है जो गढ़ कलेवा में मिलते हैं, वैसे टाइप के व्यंजन जो है इस सी मार्ट स्टोर में अवेलेबल रहेंगे, ठीक। इसे जो है छत्तीसगढ़ ब्रांड के रूप में भेजा जाएगा और इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर और राज्य के बाहर भी इस सी मार्ट स्टोर को खोला जाएगा। प्रदेश का पहला सी मार्ट स्टोर खोला जा रहा है आपके रायपुर में, इसकी भी घोषणा की जा चुकी है, ठीक। प्रदेश का पहला सी मार्ट स्टोर जो है आपके रायपुर जिले में खोला जाएगा। दूसरे नंबर पर है आपका चिराग योजना। ये चिराग योजना है, ये आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त एक योजना है। ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिले और मुंगेली जिले के टोटल 14 विकास खंडों को इस चिराग योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है इन 14 विकास खंडों को पोषण सुरक्षा एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा इस चिराग योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। चिराग योजना महत्वपूर्ण है। चिराग योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने विकास खंडों को शामिल किया गया है, 14 विकास खंडों को। जो 14 विकास खंड है ये बस्तर संभाग के 7 जिले और मुंगेली जिले से इन 14 विकास खंडों को चयनित किया गया है। और इस 14 विकास खंडों में जो है ये जो आपकी चिराग योजना जो है ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त योजना है, ठीक। नेक्स्ट है आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उनकी पुण्यतिथि पर 21 मई 2020 को प्रदेश सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया। इस किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार जो है कृषि उपजों पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। जैसे कि धान में जो है धान की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करती है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो अतिरिक्त राशि जो है इसे ही कहा जाता है प्रोत्साहन राशि, और वो प्रोत्साहन राशि इसी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। शुरू में इस राजीव गांधी किसान जो आपकी किसान न्याय योजना है इसके अंतर्गत आपका धान, मक्का, गेहूं, केवल इन्हीं उपजों को शामिल किया गया था। अभी हाल ही में इसमें और भी काफी उपजों को शामिल किया गया है, ठीक। तो ये जो है आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यानी कि इस बजट में जो है इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक, क्योंकि पीएससी जिस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, जिस प्रकार का स्टेटमेंट यानी कि कथन आधारित प्रश्न पूछ रहा है, तो उस कथन आधारित प्रश्न में ये एक लाइन बन सकता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए इस वर्ष के बजट में 5,703 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है।
ठीक। देखिए जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, इसमें जो मुख्य रूप से जो प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है वो किया जाता है आपके धान की उपज पर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस साल जो आप प्रदेश सरकार के द्वारा जो धान की खरीदी की गई, तो जो धान की खरीदी की गई इस साल, उसमें 20,53,000 पंजीकृत किसानों से 92,00,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इस वर्ष प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के 20,53,000 पंजीकृत किसानों से 92,00,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। अब तक हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी की गई है उसमें सर्वाधिक है ये 92,00,000 मैट्रिक टन। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि का दर्जा, इस साल के बजट में यह घोषणा किया गया है कि जो लाख की खेती है, यानी कि जो बेर बबूल ये जो वृक्ष है, पलाश के जो वृक्ष होते हैं उसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, वो पलाश का जो कीट होता है, जो पलाश का जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, सॉरी जो इन वृक्षों में जो एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है वो कहलाता है आपका लाख। तो लाख की खेती और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश में मौजूद जो आपके जल क्षेत्र है, कुल जल क्षेत्र के 95% जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि हमारे प्रदेश में जितने भी आपके जल क्षेत्र मौजूद है, यानी कि जलाशय हो गया, नहरें हो गया, तालाब हो गया, जितने भी जल क्षेत्र मौजूद है उन सभी जल क्षेत्रों के, उन सभी जल क्षेत्रों में से 95% जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो लाख की खेती और मत्स्य पालन दोनों को कृषि का दर्जा दिया गया है। अब ये जो लाख की खेती करने वाले किसान और मछली पालन करने वाले जो मछुआरे हैं, उन्हें कृषि का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात अब ये जो आपके इसके किसान और ये जो मछली पालक है यानी कि मछुआरे हैं, वो ऋण के लिए एलिजिबल होंगे, यानी ऋण के लिए पात्र होंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो अल्पकालीन ऋण वितरित किया जाता है, तो अब ये जो है लाख के किसान लाख की खेती करने के लिए और जो मछुआरे हैं वो मछली पालन करने के लिए प्रदेश सरकार से ऋण ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अल्पकालीन ऋण। प्रदेश सरकार के द्वारा 0% ब्याज दर पर प्रदेश के किसानों को अल्पकालीन ऋण वितरित किया जाता है। इस साल जो है अल्पकालीन ऋण वितरित करने के लिए 5,900 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। इस डाटा को याद रखिएगा, मेन सेंसर राइटिंग में काम आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वनोपज और आपका वनाश्रित। ठीक, वनोपज और आपका वनाश्रित। लघु वनोपज, प्रदेश सरकार के द्वारा कुल 52 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी की जाती है। इस चालू वित्तीय वर्ष में, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में, इस चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार के द्वारा 112 करोड़ रुपए की राशि का आपका लघु वनोपज की खरीदी की गई है। ये जो लघु वनोपज है, 4,74,000 कुंटल लघु वनोपज की खरीदी की गई है। 4,74,000 कुंटल, इतनी मात्रा में लघु वनोपज की खरीदी की गई है। 112 करोड़ रुपए की राशि का लघु वनोपज है। टोटल 52 प्रकार के लघु वनोपजों की जो खरीदी है वो आपके समर्थन मूल्य पर की जाती है। और लघु वनोपजों के खरीदी के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। पूरे देश का लगभग 73% जो वनोपजों की खरीदी है वो अकेला हमारा छत्तीसगढ़ करता है। तो सर्वाधिक लघु वनोपजों की खरीदी के मामले में जो है हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वन अधिकार मान्यता पत्र। वन अधिकार मान्यता प्राप्त पत्र मतलब जो वनों में निवास करने वाले जो लोग हैं या जिस वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं को वन क्षेत्र का उपयोग करने यानी कि एक सीमित मात्रा के लिए दोहन करने के लिए प्रदेश सरकार जो है उन्हें वन अधिकार पत्र वितरित करती है, ताकि वे अपने क्षेत्र के वनों का दोहन या उपयोग कर सके। ठीक, तो इस बार के बजट में ये मेंशन किया गया है कि इस साल यानी कि जब बजट पेश किया गया उस डेट तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में जो व्यक्तिगत यानी कि हर किसी एक व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता
पत्र जो है टोटल प्रदेश में आपके व्यक्तिगत तौर पर 436,619 लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है, जबकि सामुदायिक ग्राम सभा यानी कि किसी एक वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा पूरे के पूरे गांव को जो है आपका वन अधिकार मान्यता पत्र एक कॉमन तरीके से वितरित किया जाता है, तो उसकी संख्या है 2175। ठीक है, वन अधिकार मान्यता पत्र यानी कि वनों के दोहन करने का अधिकार जो जिस मान्यता पत्र के माध्यम से दिया जाता है, तो व्यक्तिगत तौर पे यानी कि इंडिविजुअल तरीके से 436,619 लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है, जबकि सामुदायिक ग्राम सभा को 2175 आपके वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। और इस जो आपके सामुदायिक ग्राम सभा जिन्हें वन अधिकार पत्र वितरित किया गया है उनके क्षेत्र विशेष में फलदार वृक्ष के रोपण के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ठीक है, जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करने में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना प्रारंभ किया गया है, जो कि उन्हें लाइफ इंश्योरेंस जीवन कवर उन्हें देता है। ठीक, इसके अंतर्गत दुर्घटना की स्थिति में या मृत्यु की स्थिति में जो है इस योजना का लाभ उसे मिलेगा। देखिए, इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है, इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान है, और इस योजना के अंतर्गत आपके 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक लाभान्वित होंगे। करंट अफेयर के वीडियो में और साथ ही साथ जो हमारा जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ तक का जो करंट अफेयर आया था उसमें हम शहीद महेंद्र कंद कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना कितनी राशि किस कंडीशन में मिलेगा, यानी कि अगर कोई जो है आपका आकस्मिक रूप से दुर्घटना में जो है आपका विकलांग हुआ है या पूर्ण रूप से विकलांग हुआ है या मृत्यु हो गई है तो अलग अलग कंडीशन में कितनी कितनी राशि दी जाएगी, वो सारा हम करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं और हमारे करंट अफेयर के नोट्स जुलाई टू दिसंबर में भी अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पत्रकार। प्रदेश सरकार के द्वारा जो है अगर किसी पत्रकार की दुर्घटना जन्य मृत्यु हो जाती है कि ठीक है किसी दुर्घटना के तहत जो है किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। पहले ये जो राशि है ये मात्र 2 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए से बढ़ा करके इसे 5 लाख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महिला एवं बच्चों की सुरक्षा। इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार के द्वारा एक नवीन योजना की घोषणा की गई है, वो नवीन योजना का नाम है कौशल्या मातृत्व योजना। ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना जिसमें द्वितीय बालिका के जन्म पर प्रदेश सरकार जो है 5,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान करेगी। ठीक है, प्रदेश सरकार के द्वारा एक नवीन योजना का घोषणा किया गया है इस साल के बजट में, योजना का नाम है कौशल्या मातृत्व योजना। इस योजना में द्वितीय बालिका यानी कि दूसरी बच्ची के जन्म पर बालिका के जन्म पर 5,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदेश सरकार आपकी प्रदान करेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, इस अभियान में जो है एक डाटा आया है उसको समझिएगा। जो आपका मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है इसे बताया गया है कि विगत एक वर्ष में यानी कि पिछले एक साल में प्रदेश के 99,000 बच्चे जो है वो कुपोषण से मुक्त हुए हैं। ठीक, पिछले एक साल में विगत एक वर्ष में प्रदेश के 99,000 यानी कि 99,000 जो आपके बच्चे हैं जो चिल्ड्रंस हैं वो कुपोषण मुक्त हुए हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा कुपोषण मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया गया था। प्रदेश में जो है आपके वजन त्यौहार आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्यौहार का आयोजन किया जाता है। इस वजन त्यौहार के आंकड़े के अनुसार जो वर्ष 2018 में प्रदेश में जो कुपोषण की स्थिति थी बच्चों में वो थी आपके 26.33% यानी कि 26.33%, जबकि 2019 में यह घट करके हो गई 23.37% यानी कि 23.37%। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, इस आंकड़े से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपके दिव्यांगजन के लिए। प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांगजन के लिए जो है आपके हॉफवे होम की स्थापना की जाएगी। हॉफवे होम ये है क्या? मानसिक रूप से उपचारित व्यक्ति, ठीक है, मानसिक रूप से जो आपके मेंटली हैंडीकैप्ड है, जो आपके मानसिक रूप से जो उपचारित व्यक्ति है उसके पुनर्वास के लिए
और पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 2 जिलों में हॉफवे होम की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, पहला चीज हॉफवे होम जो है मानसिक रूप से उपचारित व्यक्तियों के लिए है। हॉफवे होम की स्थापना किन 2 जिलों में की जाएगी? एक है रायपुर और दूसरा है दुर्ग। ठीक है, रायपुर और दुर्ग में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा तृतीय लिंग यानी कि जो थर्ड जेंडर है, ठीक है, तृतीय लिंग आश्रम सह पुनर्वास केंद्र, इसकी स्थापना किए जाने का भी प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया जा रहा है। ये जो आपका तृतीय लिंग आश्रम सह पुनर्वास केंद्र है, ये देश में अपने तरह का पहला आपका आश्रम सह पुनर्वास केंद्र होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका परंपरागत कर्मकार। परंपरागत कर्मकारों के लिए भी जो है प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। इस साल के बजट में ये जो आपके परंपरागत कर्मकार यानी कि परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल पुनरुद्धार, जो परंपरागत, ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से जो व्यवसाय कार्य में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए ग्रामीण व्यावसायिक कौशल पुनरुद्धार के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आपके परंपरागत तरीके से कार्य करने वाले लोगों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें टोटल इस साल के बजट में 4 विकास बोर्ड बनाए जाने की घोषणा की गई है। एक है आपका तेलघानी विकास बोर्ड, ठीक है, यानी कि घानी से जो खाद्य तेल निकालने का कार्य परंपरागत तरीके से जो करते आ रहे हैं उनके लिए विकास बोर्ड। दूसरा है चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, यानी कि जो आपके चर्म, ठीक है, चर्म शिल्पकार यानी कि जो चमड़े से आपके जो चमड़े से जैसे चप्पल बनाना या चमड़े से कुछ दूसरी अन्य सामान अन्य वस्तुएं बनाने का जो कार्य करते हैं उनके लिए विकास बोर्ड। तीसरा है आपका लौह शिल्पकार और लौह शिल्पकार विकास बोर्ड और चौथा है आपका रजककार विकास बोर्ड। ठीक, रजककार विकास बोर्ड, तो टोटल 4 विकास बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा इस साल के बजट में की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, समझिएगा, नेक्स्ट है आपका ग्रामीण विकास एवं आजीविका। ग्रामीण विकास एवं आजीविका में पहले है आपका मनरेगा। इस साल के बजट यानी कि छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में मनरेगा के लिए आपका 1603 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का प्रावधान है या कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 1603 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और इसी में बताया गया है कि पिछले वर्ष यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपके इस मनरेगा के अंतर्गत जो है 12 करोड़ 21 लाख मानव रोजगार दिवस सृजित किए गए हैं। ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत आपके 12 करोड़ 21 लाख सृजित मानव रोजगार दिवस है और मनरेगा के लिए आवंटित राशि कितनी है पूछा जाए तो वो है आपका 1603 करोड़। नेक्स्ट देखिए, रूबर्न मिशन, रूबर्न मतलब रूलर और अर्बन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों के तर्ज पर विकसित करना यानी कि गांवों को शहरी सुख सुविधाएं मुहैया कराना। समझिएगा, हमारे प्रदेश में इस रूबर्न मिशन योजना के तहत 16 जिले के 18 क्लस्टर के 118 ग्राम पंचायतों को इस रूबर्न मिशन के अंतर्गत शहरी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, यानी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं, पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है, जो है आपका जो नालियां बनाई जा रही है, यानी कि शहरी सुख सुविधाएं जो है गांवों को मुहैया कराई जा रही है इस रूबर्न मिशन योजना के अंतर्गत। और ध्यान दीजिएगा, इस रूबर्न मिशन के क्रियान्वयन के मामले में जो रूबर्न रैंकिंग है तो हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, रूबर्न मिशन योजना के रूबर्न रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है इस योजना के क्रियान्वयन के मामले में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे प्रदेश को जो स्वीकृत आवास थे वो थे 1097000, यानी कि 1097000 आवास स्वीकृत हुए थे जिसमें से 70% जो आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। देखिए, अभी हम केवल रैंक देख रहे हैं और ये रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में हमारा छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका ODF प्लस
पंचायतों की श्रेणी ओडीएफ प्लस यानी कि खुले में शौच मुक्त। तो ओडीएफ प्लस पंचायत, पंचायत की बात हो रही है, ओडीएफ प्लस पंचायतों की श्रेणी में हमारा छत्तीसगढ़ का जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना, इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना। ये एक एग्जाम में अभी हाल ही में ये प्रश्न आया भी हुआ था कि धरसा विकास योजना, मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना जो कि स्वामी आत्मानंद के जन्म जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। ये योजना है क्या धरसा विकास का मतलब, ये देखिए इस योजना का उद्देश्य है किसानों को खेतों तक आवागमन की सुविधा देने के लिए कच्चे धरसा, कच्चे धरसा मतलब कच्चे रास्ते को पक्के मार्ग में बदलना, यानी कि किसानों को जो है खेत तक आवागमन के लिए एक पक्के रास्ते बना करके देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के लिए जो आपके प्रावधान राशि है वो है 10 करोड़ रुपए। इस राशि को भी याद रखिएगा, आजकल कथन आधारित प्रश्न पीएससी पूछ रहा है, तो ये जो आपके 10 करोड़ रुपए की राशि जो आवंटित है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अलग अलग योजनाओं में भी राशि आवंटित की गई है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है या जिसकी राशि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मैं केवल आपको उसी को बता रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना के तहत हमारे पूरे प्रदेश भर में 199 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक, ये जो आपका गोवर्धन योजना के तहत हमारे पूरे प्रदेश भर में 199 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पीएससी अभी ऐसे ही टाइप के उठपटांग प्रश्न पूछ रहा है, तो इसे भी थोड़ा याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने ग्रामीण देखा, अब हम देखेंगे शहरी आधुनिकीकरण। शहरी आधुनिकीकरण जिसमें पहले नंबर पर है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ राशि आवंटित की गई है। राशि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है उसे समझिएगा। विभिन्न शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा, यानी कि हमारे प्रदेश में जितनी भी आपकी सरकारी सेवाएं मौजूद है, विभिन्न शासकीय सेवाएं मौजूद है, उसकी घर पहुंच सेवा, यानी कि वो जो है आपकी शासकीय सेवा जो है आपके जो मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत जो मितान नियुक्त किए जाएंगे वो घरों में जाकर के शासकीय जो आपकी सेवाएं हैं वो मुहैया कराएंगे। ठीक, इसमें बस यही याद रखिएगा, शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा। नेक्स्ट, देश का स्वच्छतम राज्य। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो देश का स्वच्छतम राज्य बना आपके पिछले साल, यानी कि वर्ष 2020 में। ठीक, छत्तीसगढ़ जो है पिछले 2 वर्षों से देश का स्वच्छतम राज्य बनते आ रहा है नगरीय निकायों के मामले में। 100 से अधिक नगरीय निकाय वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छतम राज्य साबित हुआ है, और पिछले 2 साल से हमारा छत्तीसगढ़ जो है स्वच्छतम राज्य बन रहा है। ठीक, देखिए जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम राज्य बनाए जाने का जो श्रेय है वो स्वच्छता दीदियों को दिया है, यानी कि जो साफ सफाई के कार्य में लगी हुई जो महिलाएं हैं, स्वच्छता दीदियों को ये इसका श्रेय दिया है, छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम राज्य बनाने का श्रेय दिया है। और उनकी जो आपकी मानदेय है, यानी कि जो उन्हें वेतन मिलता है, उनके मानदेय को 5,000 से बढ़ा करके 6,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोर जमीन मोर मकान व मोर जमीन मोर चिन्हारी। ये जो योजना है ध्यान दीजिएगा, पहली चीज तो ये शहरी निर्धन परिवारों से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाएगा मोर जमीन मोर मकान योजना किससे संबंधित है, शहरी निर्धन परिवारों से, ग्रामीण निर्धन परिवारों से, या फिर आपका दे देगा आदिवासी निर्धन परिवारों से, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन देगा। ठीक है, या वनांचलों में रहने वाले परिवारों से। तो ध्यान दीजिएगा, मोर जमीन मोर मकान व मोर जमीन मोर चिन्हारी जो योजना है ये शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास मुहैया कराए जाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कितनी राशि आपका आवंटित किया गया इस योजना में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये शहरी निर्धन परिवारों के लिए यह योजना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा सबसे पहले नंबर पर है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले साल ये जो आपका स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना प्रारंभ किया गया था। ये जो आपका स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है ये सरकारी स्कूलों में यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस बजट में यानी कि बजट 2021-22 में आपके पूरे
प्रदेश भर में 119 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है या प्रस्तावित है। आंकड़े याद रखिएगा, 119 स्कूलों की आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है इस साल के बजट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आईटीआई संस्था। प्रदेश में दो नवीन आईटीआई संस्था खोले जाने की घोषणा की गई है। एक है आपका टेकारी ग्राम आरंग रायपुर, रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के टेकारी ग्राम में एक आईटीआई खुलेगा, और दूसरा है आपका नेवरा ग्राम तखतपुर ब्लॉक बिलासपुर, बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के नेवरा ग्राम में एक आईटीआई आपका खुलेगा। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई ये खोला जाएगा आपके दो। कितने इस साल के बजट में कितने आईटीआई संस्था खोले जाने की घोषणा की गई है? दो। कहां कहां पर है? एक है टेकारी ग्राम आरंग रायपुर और दूसरा है नेवरा ग्राम तखतपुर बिलासपुर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अधोसंरचना का क्षेत्र। अधोसंरचना के क्षेत्र में सबसे पहले हम देखेंगे वायु मार्ग। इस साल के बजट में प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि एक हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान इस साल के बजट में बताया गया है कि कोरिया जिले में, ठीक है, कोरिया जिले में एक नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ ही प्रदेश सरकार अंबिकापुर को भी हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन इस साल के बजट में किस स्थान पर आपके हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान है पूछा जाए तो कोरिया जिले में हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान रखा गया है, जबकि अंबिकापुर को भी आपके हवाई मार्ग से यानी कि वायु मार्ग से जोड़ने का प्रयास प्रदेश सरकार करेगी। केवल प्रयास करेगी, घोषणा नहीं की है। घोषणा किसके लिए किया है? कोरिया जिले में हवाई पट्टी निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक, देखिए इसी वायु मार्ग से याद रखिएगा, अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में जो बिलासपुर का जो चकरभाटा हवाई पट्टी था उसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया बिलासा बाई केवटीन हवाई अड्डा, और यहां से उड़ान प्रारंभ हो चुकी है 1 मार्च 2021 से। और ये जो आपका हवाई अड्डा है बिलासा बाई केवटीन हवाई अड्डा, इसे 3C कैटेगरी यानी कि 3C श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त है। 3C या इसे 3CVFR श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त है। ठीक, और ये जो बिलासपुर, ये जो आपका बिलासा बाई केवटीन हवाई अड्डा है, यहां से उड़ाने जो है बिलासपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से दिल्ली, या फिर बिलासपुर से जबलपुर, जबलपुर से दिल्ली कनेक्ट करते हुए यहां पे आपकी विमान उड़ान भर रही है। और दूसरा है आपका मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर बस्तर। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर ये जो है इसे लाइसेंस प्राप्त हुआ था 21 सितंबर 2020 में जो है इसे 2C श्रेणी के हवाई अड्डा का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। ये डेट को याद रखिएगा, बिलासा बाई केवटीन हवाई अड्डा कब प्रारंभ हुआ? 1 मार्च 2021, और इसे 2C श्रेणी का आपका 2C श्रेणी का लाइसेंस कब प्राप्त हुआ? 21 सितंबर 2020 को। और जो आपका जगदलपुर से उड़ान जो है हैदराबाद और रायपुर को कनेक्ट होते हुए होती है। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को आधुनिक एयर कार्गो हब के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा रखी गई है। ठीक है, इस साल के बजट में जो हमारे प्रदेश का जो स्वामी विवेकानंद यानी कि माना एयरपोर्ट रायपुर है उसे आधुनिक एयर कार्गो हब के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा इस साल के बजट में की गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सिंचाई के लिए जो है चार वृहत परियोजना के लिए कुछ राशि का प्रावधान किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, वो परियोजना कौन कौन सा है? एक है अर्पा भैंसाझर परियोजना, दूसरा है केलो जलाशय, तीसरा है राजीव समोदा व्यपवर्तन, और चौथा है आपका सोंढूर जलाशय। ठीक है, ये चार वृहत परियोजना इस साल के बजट में प्रस्तावित है। कौन कौन से? अर्पा भैंसाझर, दूसरा केलो परियोजना, तीसरा है राजीव समोदा व्यपवर्तन, और चौथा है आपका सोंढूर जलाशय। एक आपके लिए होमवर्क है कि ये जो सभी वृहत परियोजना है ये किस-किस जिले में आपका ये मौजूद है, ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फूड पार्क। पूरे प्रदेश भर में से 110 विकास खंडों में आपका चिन्हित किया गया है भूमि फूड पार्क के लिए। ठीक है, पूरे प्रदेश के 110 विकास खंडों में भूमि चिन्हित किया गया है फूड पार्क के निर्माण के लिए, और 110 विकास खंडों में से 45 भूमि आपके उद्योग विभाग के अधिपत्य में आ चुकी है। ध्यान दीजिएगा, इस साल के बजट में जो है 110 विकास खंडों में आपका फूड पार्क निर्माण किए जाने की घोषणा या फूड पार्क जो है आपका प्रस्तावित है। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क हमारे प्रदेश में आपका पंडरी रायपुर, रायपुर जिले के पंडरी में आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क खुलेगा, प्रस्तावित है। ये जो आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा, ये देश का चौथा सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। हमारे देश में कोलकाता, उसके अलावा मुंबई और सूरत, कोलकाता मुंबई सूरत के बाद देश का चौथा बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क हमारे पंडरी रायपुर में खोला जाएगा, प्रस्तावित है। इस साल के बजट में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका बायो एथेनॉल उत्पादन अनुसंधान प्रदर्शनी संयंत्र, ये स्थापित किया जाएगा आपका गोढ़ी ग्राम बेमेतरा। बेमेतरा जिले के गोढ़ी ग्राम में बायो एथेनॉल उत्पादन एवं अनुसंधान प्रदर्शनी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है इस साल के बजट में। और ये जो आपका संयंत्र है, इसमें जैव ईंधन उत्पादन के लिए धान व मक्का को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ऊर्जा शिक्षा उद्यान। ऊर्जा शिक्षा उद्यान ये आपका प्रस्तावित है पाटन ग्राम दुर्ग। दुर्ग जिले के पाटन ग्राम में नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान खोले जाने की घोषणा इस साल के बजट में की गई है। ये है क्या, समझिएगा। इस उद्यान के माध्यम से कृषि कार्य एवं दैनिक जनजीवन के विभिन्न कार्यों में वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोगों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस उद्यान को खोला जा रहा है। तो ऊर्जा शिक्षा उद्यान किस जिले में प्रस्तावित है पूछा जाए, तो पाटन ग्राम दुर्ग जिले में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं पर्यटन विकास। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पुरातन संचालनालय। ठीक है, देखिए प्रदेश में जो है आपके संस्कृति एवं पुरातन संचालनालय को पृथक किया जा रहा है, यानी कि संस्कृति से पुरातन संचालनालय को पृथक करके एक अलग संचालनालय बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, पुरातात्विक धरोहरों के अध्ययन खोज तथा संधारण कार्यों को गति प्रदान करने के लिए, यानी कि जो आपके पुरातात्विक जो खुदाइयां हो रही है, पुरातात्विक अवशेष जो मौजूद है, उनके अनुसंधान, उनके अध्ययन तथा उनको संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान करने के लिए, इस कार्य को गति प्रदान करने के लिए संस्कृति विभाग से इस पुरातत्व संचालनालय को पृथक करके एक नया संचालनालय बनाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद। प्रदेश के विभिन्न कलाओं एवं विधाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश में एक छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया जाएगा। इस साल के बजट में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न कलाओं एवं विधाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए, यानी कि लोक कला हो गया, संगीत हो गया, स्थानीय जो लोक नाट्य हो गए, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए अलग से छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ संस्कृति परिक्षेत्र। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिक्षेत्र, इसकी स्थापना की जाएगी नवा रायपुर में, यानी कि नया रायपुर में। ये जो है आपका छत्तीसगढ़ संस्कृति परिक्षेत्र जो है, ये भारत भवन भोपाल के तर्ज पर बनाया जाएगा। भारत भवन भोपाल में मौजूद है भारत भवन। ये जो भारत भवन जो है, ये एक प्रकार का संग्रहालय है। ठीक है, एक म्यूजियम है, एक प्रकार का संग्रहालय है, जहां पर आपका ललित कला से संबंधित, छवि यानी कि सिनेमा से संबंधित, संगीत से संबंधित, कविताओं से संबंधित जो है, ये सभी चीजों का यहां पर संग्रहालय मौजूद है। तो उसी आपके जो भारत भवन भोपाल है, उसी के तर्ज पर हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिक्षेत्र की स्थापना की जाएगी नवा रायपुर में। प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ संस्कृति परिक्षेत्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो रायपुर जिले के नवा रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, जहां पर आपका ललित कला, रंगमंच, कविता, लोक संगीत और आपके छवि यानी कि सिनेमा, ये सभी चीजों का संग्रह जो है एक प्रकार का संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है मानव संग्रहालय। प्रदेश में जो है एक मानव संग्रहालय बनाया जाने की घोषणा की गई है। किस स्थान पर बनाया जाएगा, ये तो फिलहाल अभी ये जो है उसके लिए भूमि चिन्हांकित नहीं की गई है, लेकिन ये जो मानव संग्रहालय होगा, उसमें हमारे प्रदेश के रहन सहन, तीज त्यौहार, प्राचीन कला एवं परंपरागत विधाओं का प्रदर्शन इस मानव संग्रहालय में होगा। यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो जीवन शैली है, छत्तीसगढ़ के जो तीज त्यौहार है,
जो प्राचीन कला है, जो परंपरागत विधा है, उसका एक प्रकार से प्रदर्शनी इस मानव संग्रहालय में होगा। नेक्स्ट है देवगुड़ी। देवगुड़ी हमने देखा था दंतेवाड़ा जिले में, जो आपके देवगुड़ी है, जो पूजा स्थल है, देवगुड़ी एक प्रकार का पूजा स्थल होता है, उसका संरक्षण करने का कार्य जो है जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के द्वारा किया जा रहा था। तो इस साल के बजट में घोषणा किया गया है कि प्रत्येक देवगुड़ी को स्थल को संरक्षण प्रदान करने के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका अबूझमाड़िया जनजाति है उसके घोटुल के संरक्षण के लिए भी जो है राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रशासन, एक राजस्व प्रशासन और दूसरा है आपका पुलिस प्रशासन। राजस्व प्रशासन के अंतर्गत घोषणा किया गया है कि इस साल जो है प्रदेश में 11 नवीन तहसीलों का गठन किया जाएगा और 5 अनुविभागों का गठन किया जाएगा। ठीक है, राजस्व प्रशासन के अंतर्गत इस साल जो है, इस साल के बजट में घोषणा किया गया है कि इस साल 11 नवीन तहसील और 5 अनुविभाग का जो है आपका गठन किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। और दूसरा है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना जो है ये ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का ड्रोन आधारित, ठीक है, जो क्वाडकॉप्टर होता है, ड्रोन आधारित सर्वेक्षण करके मान्यता पत्र प्रदान करने की योजना है आपका स्वामित्व योजना। ठीक, नेक्स्ट है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन जो है इसके अंतर्गत आपके बस्तर टाइगर, बस्तर संभाग के सभी जिले यानी कि सभी 7 जिलों में एक विशेष बल का गठन किया जाएगा, जिसे नाम दिया जाएगा आपका बस्तर टाइगर्स। तथा ये जो आपके विशेष बल है, जो बस्तर टाइगर्स है, इसमें वहां के स्थानीय जो आपके अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र, वनांचल क्षेत्र में जो आपके निवास करने वाले जो युवा है, उन्हें इस बस्तर टाइगर्स में जो है इनकी भर्ती की जाएगी। तो बस्तर टाइगर्स जो है बस्तर संभाग के सभी 7 जिले में जो है एक विशेष बल का गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पहले नंबर पर है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, इसके लिए भी कुछ धनराशि आवंटित की गई है, लेकिन धनराशि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक किससे संबंधित है, आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की शुरुआत की गई। ठीक, नेक्स्ट है नवीन चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि नए मेडिकल कॉलेज। इस साल के बजट में जो है आपके 300 करोड़, ठीक है, 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है आपके 3 नए चिकित्सा महाविद्यालय भवन के लिए। जो आपका ये चिकित्सा महाविद्यालय भवन यानी कि मेडिकल कॉलेज, एक है कांकेर, दूसरा है आपका कोरबा और तीसरा है महासमुंद, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि भवन निर्माण के लिए आवंटित की गई है। हमारे प्रदेश में जो है वर्तमान में अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज की संख्या है आपकी 9, ठीक है, अगर एम्स को भी मिला दे तो टोटल हो जाते हैं 10। एम्स जो है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जबकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर आपके टोटल 9 है, जिसमें से 6 जो है गवर्नमेंट सेक्टर के है और 3 जो है प्राइवेट सेक्टर के हैं। उसके अलावा 3 नए महाविद्यालय यानी कि चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, कहां-कहां पे, कांकेर, कोरबा और आपके महासमुंद में। जबकि जो आपके 3 निजी महाविद्यालय थे यानी कि 3 निजी प्राइवेट सेक्टर के जो आपके मेडिकल कॉलेज थे, उसमें से 1 मेडिकल कॉलेज का शासकीयकरण किया जा रहा है, जिसका नाम है स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग, जो कि प्राइवेट सेक्टर का था, उसका वो जो है अब उस मेडिकल कॉलेज को जो है राज्य सरकार जो है अपने अधिग्रहण में ले रही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कंक्रीट जंगल। नवा रायपुर को जीवंत आबाद शहर के रूप में कंक्रीट जंगल बना करके विकसित किया जा रहा है, यानी कि जो आपका नवा रायपुर जो है ये पूरी तरीके से एक शहरी क्षेत्र है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो है आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर आपका जंगल बनाया जा रहा है, जैसे कि बनाया गया है आपका जंगल सफारी जो कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है, मानव के द्वारा बसाया गया जंगल है, वैसे ही पूरा का पूरा नवा रायपुर को कंक्रीट जंगल के रूप में बसाया जाएगा, एक जीवंत आबाद शहर के रूप में से बसाया जाएगा। और इसके लिए जो राशि आवंटित की गई है वो है आपके 355 करोड़। इंपॉर्टेंट है कंक्रीट जंगल नवा रायपुर, जिसे आपके जीवंत आबाद शहर के रूप में बसाया जाएगा। नेक्स्ट है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। ये है क्या, समझिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार जो है रूरल का मतलब क्या होता है आपका ग्रामीण, तो जो आपका रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत व्यवसायों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए। प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक योजना चलाई जा रही है, पौनी पसारी योजना। ये जो पौनी पसारी योजना है ये शहरी क्षेत्रों
में जो परंपरागत व्यवसाय में लगे हुए जो व्यवसायी है, जो कारोबारी है, यानी कि जो आपके जैसे लुहार हो गए, बढ़ई हो गए, या कोई शिल्पकार हो गए, जो परंपरागत व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो उनके व्यवसाय, उनके परंपरागत व्यवसाय को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए पौनी पसारी योजना का प्रारंभ किया गया था। उसी के तर्ज पर प्रदेश सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत व्यवसाय का संरक्षण एवं उसे बढ़ावा देने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाने की घोषणा इस साल के बजट में की है। ठीक है, तो यह था आपके छत्तीसगढ़ के बजट का पूरा एक ओवरव्यू। ठीक है, केवल हम टू दी पॉइंट चीजों पर हम डिस्कस किए हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल हम उसी पर चर्चा किए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ बजट होता है समाप्त। किसी प्रकार का डाउट होता आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।